नहीं मिल रही, मिल क्यों नहीं रही? एक तो कॉलेज के लिए लेट हो रही, ऊपर से सर गुंजन के पास होगी। चल नूपुर, जल्दी चल, कॉलेज के लिए लेट हो रही है। बड़ी ऐसी प्रोजेक्ट बनाने वाली है, आज तक कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया है? अभी कुंजन को भी ढूंढना पड़ेगा, लेट हो गई। और अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं मिली तो वो मायन का बच्चा मुझे कच्चा चबा जाएगा। अब तुम यहाँ हो गुंजन? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम यहाँ? तुम जानते नहीं ये गर्ल्स लॉकर रूम है, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो क्या सोचेंगे? अरे वाह, कल रात को घर पे भी यही कहा था और अब भी यही कह रही है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? कुछ तो डायलॉग चेंज करो। देखो, कल रात भी तुमने मुझे बहुत परेशान किया और आज फिर तुम्हें क्या चाहिए? बस तुम्हारे साथ एक और डेट। क्या? मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए। स्टेज पे अपने गाने का टैलेंट सब तक पहुंचाने में मेरी हेल्प, जिसके लिए तुम्हें एक डेट कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, सोच लो। चश्मिश? हाँ, मैं वो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरा मतलब है वो नोट्स तैयार हैं। तुम मेरे बारे में सोच रही थी? रात के कितने बजे? जरूर गालियां दे रही होगी। नहीं, वो बात नहीं है, मैं तो प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही थी। अच्छा, और क्या? काम के अलावा आजकल मैं कुछ भी नहीं सोच पाती। पता है, कल मैंने इतनी किताबें पढ़ी, पूरी रात सिर्फ किताबें ही पढ़ती रह गई। पूरी रात सोई नहीं? मेरे बारे में सोच रही थी? नहीं, वो मैं, ये क्या? नहीं, वो मैं, पर पूरे सेंटेंस बोलना। वैसे ये जान के खुशी हुई कि तुम मेरी वजह से पूरी रात जागी। तो तुम मेरी वजह से रात भर जागी और इसलिए तुमने अभी तक मुझे हेलो नहीं किया? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मैं एक्चुअली रात भर सोई नहीं ना, इसलिए दिमाग स्लो काम कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं अभी कह देती हूँ। हेलो मयंक, कैसे हो? मुझसे अब नाराज तो नहीं होना? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम रात भर प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, ये सुनकर खुशी हुई। तो फिर रिश्ता पक्का समझो? क्या? गुरु और शिष्य का बालिक है, मैं सिखाऊंगा और तुम सीखोगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तथा अब तक जितने भी नोट्स लिखे हैं उन सबको मेरे घर पर लेकर। ओ हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं, वो एक्चुअली नूपुर मेरी माँ एक एड एजेंसी में मीडिया रिसर्चर है, तो वो हमारे प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकती है, इसीलिए मैंने सोचा कि अच्छी बात है। तो ठीक है, सैटरडे शाम को अपने आप को फ्री रखना और सुनो, टाइम पर आ जाना पूरी तैयारी के साथ और लेट मत होना, क्योंकि मेरी माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट है। मयंक, मुझे लगता है कि तुम भी बिल्कुल उन्हीं पे गए हो। पर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुमने इस प्रोजेक्ट पर मुझसे भी ज्यादा काम किया है। आई एम श्योर माँ तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी, मैं भी तो हुआ था।
तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। ओके तो सैटरडे का टाइम फिक्स रहा, ठीक है? अरे हाँ, मुझे आज शाम डांस रिहर्सल भी तो करनी है, मैं चलता हूँ। ये प्रॉब्लम तो बढ़ती जा रही है, उसे लग रहा है कि प्रोजेक्ट मैंने बनाया है और असल में जिसने प्रोजेक्ट बनाया वो तो मिल ही नहीं रहे। कुंचन तो शुरू करें अभी? कैसे? डरो मत, भरोसा रखो, गुरु पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। करोगी ना? तो ठीक है, सम्राट की तरह कूल और कॉन्फिडेंट बनने के लिए तुम्हें करने होंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सरसाइज और याद करने होंगे कुछ फॉर्मूला। अभी? पर अभी तो क्लास है ना? हमारी भी तो क्लास चल रही है। चल रही है ना? शुक्ला तो रोज आता है पर गुरु सम्राट कभी कभी बोलते हैं। शुक्ला की क्लास को पंक कर। पंक? नहीं, अब पंक करना ठीक नहीं होगा, वो हम क्लास के बाद मिलेंगे ना, और वैसे भी मुझे नुपुर दी को ये नोट्स देने हैं, मैं चलती हूँ। अरे सुनो तो, आजकल के स्टूडेंट भी कितने अजीब हैं, गुरु की बात ही नहीं मानते, पर गुरु सम्राट भी महागुरु है, उन्हें अपना काम निकालना आता है। हाय सम्राट। हाय बेब। अच्छा बंग मत करो, मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। क्लास शुरू होने में अभी 5 मिनट बाकी है, जो फर्स्ट स्टेप को खत्म करने के लिए बहुत। इतना मत सोचो रश्मिश, अपने गुरु पर भरोसा रखो। चले बैठो रश्मिश, चलो अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि जब तुम किसी नए इंसान से मिलती हो तो तुम्हें कैसा लगता है? डर, डर लगता है। गुड, वेरी गुड। क्या? मेरा मतलब है तुम डरती हो, वेरी गुड, पर तुम जानती हो कि तुम डरती हो, वेरी गुड, समझी? थोड़ा थोड़ा। तो चलो थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा और बनाते, इस कॉरिडोर में नजर घुमाओ और देखो कि ऐसा कौन सा लड़का है जिससे तुम्हें बात करने में डर लगता हो या तुम घबराते हो मुझे छोड़कर। वो लड़का, वो। अच्छा सुनो, भरोसा चश्मिश, अपने गुरु पर भरोसा रखो। अच्छा इमेजिन करो कि वो जो लड़का है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ टॉर्चन है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसमें कुछ करना थोड़ी चश्मिश, बस सोच की उड़ान भर। चलो एक बार ट्राई कर, बहुत मजा आएगा। चलो Thank you.
कोई प्रॉब्लम है क्या? जो कहा है वो करो, जाओ। क्या हुआ? अच्छा इमेजिन करो कि वो दार्जन है। कैसा लगा? एक्सपेरिमेंट कामयाब। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। Hey guys, it's skateboard time. Watch me. Okay, move it, guys. हट जाओ। इसमें ना ब्रेक नहीं होता, ठीक है? अरे अरे भगवान का कभी फरका। अरे बाबू हट जाए, मैं ब्रेक नहीं है, काट कर रहे हो। अरे बीच में आ जा तो पगला गए हो का? अरे का हुआ? तुम लोग हमको देख के मुस्कुरा कह रहे हो? आई सम्राट का कॉन्फिडेंस फॉर्मूला। मैंने गुंजन को इमेजिन करने को कहा है। ओह वाओ, आई नो, बहुत मजा आता है। अब मैं क्या बना था? मैं क्या बना था गुंजन, बोलो ना मैं क्या बना था? दूध वाला। नाइस। हाय कैंडी। और गुंजन तुम, पहली बार तुम्हें इतना हंसते हुए देखा है। गुंजन डियर, जोक क्या है? हंसना बुरी बात नहीं है, पर मुझे देख कर क्यों? मैं बताऊं? Come on, Candy. Relax. कम से कम तुम्हारी कजन हंसी तो सही। तुम्हें तो कॉलेज में ट्रीट देनी चाहिए। Whatever. Annie, Chaco, let's go. Babes, कहाँ जा रही है? सैमी, मैं तुमसे बात तो करना चाहती हूँ, पर यहाँ नहीं। Okay, कैंटीन में मिलते हैं। 5 मिनट में। Okay. Bye. बीच के साथ नहीं जाना, मैं वहाँ जाता हूँ। Bye. ओके चश्मिश, फिर मिलते हैं। चार दिन में यह बुक वापस चाहिए। सर इतनी मोटी बुक 4 दिन में कोई कैसे पढ़ सकता है? इस लाइब्रेरी में बहुत कम ऐसी किताबें होंगी जो तुमने नहीं पढ़ी होंगी। तुम्हें ऐसे बात करोगे तो बाकियों का क्या होगा? और हाँ, इस पर अपना नाम और अपना रोल नंबर लिख दो। यस सर। सर ये ओ, हाय। ओ, हाय। हे भगवान, अगर दी गई प्रोजेक्ट फाइल मयंक ने मेरे पास देख ली तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। सर ये बुक नहीं मिल रही है। इस
इस बुक की तो एक ही कॉपी है जो अभी अभी मयंक ने अपने नाम पर इशू करवाई है। सॉरी, तुम्हें चाहिए तुम ले लो। नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोई और बुक इशू करवा लेती हूँ। ओके। गुंजन, देवधर सर का भी प्रोजेक्ट है। वो दी के लिए। हाँ, देवधर सर का ही प्रोजेक्ट है। उनके असाइनमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तुम्हारा टॉपिक क्या है? टॉपिक? अब वो एक्चुअली मुझे देर हो रही है, देवधर सर से ही मिलने जाना है। ठीक है, तुम लेट मत होना वरना भड़क जाएंगे। हम बाद में बात करेंगे।